मोदी 3.0 के पहले बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चंदन गोस्वामी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। चंदन गोस्वामी बोले कि सबका साथ सबका विकास के तहत मोदी सरकार का तीसरा बजट समाज के हर वर्ग, किसान, शिक्षा, युवा, महिला, गरीब की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जो कि सराहनीय ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग तथा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से आर्थिक उन्नति का मार्ग गति प्राप्त होगी। तो वही भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने कहा कि बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं की शक्ति को मजबूत करके प्रगतिशील भारत को दिशा देगा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवा, गरीब, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों का ध्यान रखा है। ये बजट सभी के लिए वरदान है। सरकार ने मुफ्त अनाज इस योजना को बरकरार रखते हुए गरीब, कृषि और किसान दोनों को मजबूती दी है। NBC News के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।